हेलो गाइस एंड वेलकम टू परीबो व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मेरे को सुबह से कॉल करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे आपने इतने प्यार भरे मैसेजेस भेजे हैं। यू गाइस हैव शावर्ड मी विद लॉट ऑफ लव एंड विशेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लाइक आई एम लाइक दिस रियली मेड माई डे, यू नो, सो थैंक यू सो मच। एंड आज मतलब मेरा बर्थडे मैं दिल्ली में सेलिब्रेट कर रही हूँ। दिल्ली इज वेरी क्लोज टू मी, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग उनको पता है कि मुझे दिल्ली कितना अच्छा लगता है। आई लव कमिंग बैक हियर क्योंकि मैं पहले भी दिल्ली में रहती थी बहुत सालों पहले, लाइक आई वॉज इन दिल्ली। सो नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन इन दिल्ली एंड आई केम हियर विद अमित। सो दो दिन हुए हैं हमें यहाँ आके एंड वी आर हैविंग फन। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बर्थडे सेलिब्रेशन, मुझे बहुत लोग सुबह से कॉल्स पे और मैसेजेस पे पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली में हो तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज द पार्टी टू नाइट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो गाइज एक्चुअली आई टेल यू हुआ क्या। सो मॉर्निंग से ऐसे हुआ है कि दो दिन से तो हम शॉपिंग और ये सब चीज़ों में बहुत बिजी थे, इधर उधर जाना, ये करना, वो करना। सो लॉट ऑफ बैक पेन्स एंड लॉट ऑफ बॉडी पेन्स वर हैपनिंग। सो कल रात में 12 बजे तो मतलब विश करा, थोड़ा सा केक काटा, लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ केक एंड वी जस्ट लेफ्ट। मॉर्निंग में उठते साथ ही ना मेरे को आई हैड टू गो फॉर माई हेयर स्पा, सो आई वेंट टू लाइक राइट नाउ आई एम इन द लीला पैलेस चाणक्यपुरी और मैं गई थी पश्चिम बिहार आई गेस। उधर एक सैलॉन है, वन ऑफ द बेस्ट सैलॉन्स दैट आई रियली फील व्हेन आई कम हियर, आई ऑलवेज गो देयर। सो वी जस्ट वेंट देयर एंड आई हैड माई हेयर स्पा एंड माई थिंग्स डन। अमित ऑल्सो डिड दिस थिंग इज हेयर स्पा एंड ऑल। तो हमें लगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, एक दो घंटे में हम वापस आ जाएंगे, यहाँ पे लंच करेंगे एंड इवनिंग में हम जाके पार्टी करेंगे बाहर कहीं पे, किटी सू या प्राइड, इन दोनों जगह को हमने चुना था। बट किटी सू बहुत दिनों से ना बंद है शायद। सो एनी वे आई एम टॉकिंग अ लॉट, तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि फिर हमने आने के बाद ये डिसाइड किया कि हम दिल्ली की सबसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी में हैं राइट नाउ, विच इज़ द लीला पैलेस चाणक्यपुरी, एंड वाई नॉट टू बी हियर, क्योंकि कल हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी हमें ताज चाणक्यपुरी। सो वी थॉट दैट इतनी अच्छी जगह है, प्लस वी हैव ऑलरेडी आवर डिनर बुक्ड डाउन देयर इन अ वेरी रोमांटिक सेटिंग। सो वी थॉट लेट्स सेलिब्रेट द बर्थडे हियर एंड टुडे टुनाइट वी जस्ट वांट टू बी हियर बिकॉज़ इट्स अमेजिंग टू बी हियर। आप देख सकते हो गाइस कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे, इट्स लवली व्यू एंड यू प्लीज सी माई ड्रेस, दिस लुक्स गुड टू। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू है एंड द रूम ऑफ कोर्स इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड। So guys, right now I'm gonna tell you मुझे बर्थडे के गिफ्ट में क्या मिला एंड many people who called me up they asked me क्या मिला आपको बर्थडे, अमित ने क्या दिया, मम्मी ने क्या दिया, पापा ने क्या दिया। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उनको क्या क्या मिला है बर्थडे गिफ्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्रेस जो मैंने यहाँ पर पहन के रखा है। सो यू कैन सी दिस ड्रेस, I'm doing a proper haul. As you can see that this dress is like a beautiful dress. Which is even see how it looks. And this dress is given to me by my mom and dad. And thank you so much mom and dad. This is a lovely dress. I love it. Second thing is this bracelet. थोड़ा सा पास में आके देख लो, zoom कर लो इसको. So this bracelet is given to me by my mother-in-law and father-in-law, जो भी हैदराबाद में है, and mom and dad, I love this too. This is amazing. मतलब जब से इन्होंने mom and dad ने मुझे दिया है तब से मैंने इसको निकाला नहीं है, मैं तब से पहन रही हूँ। बर्थडे से पहले से मेरे हाथ में है, उन्होंने क्योंकि मुझे दिया था जब मैं 3-4 दिन पहले वहाँ गई थी to meet them, so they gave it to me and तब से मैंने उतारा नहीं, मुझे इतना प्यारा लगा है। वैसे आई एम नॉट अ ब्रेसलेट पर्सन और हाथ में मेरे को ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, बट ये जब से मैं मेरे को उन्होंने गिफ्ट किया है मैं इसको निकाला नहीं है, सो आई लव्ड इट। उसके अलावा अमित तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट करता ही रहता है, बट बर्थडे पे आई एम वेरी पर्टिकुलर दैट आई नीड माय मेकअप, लाइक साल में ना एक बार मैं पूरा मेकअप ले लेती हूँ साल में, वो फिर मुझे चल जाता है, बीच बीच में मुझे रिफ्यूज करने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बट बर्थडे पे अमित को लूट लो मेकअप के मामले में, ऐसा होता है। And of course, Amit has given me these things, as you can see. Amit,
to see this. ये बटरफ्लाई वाले हील्स अमित ने मुझे गिफ्ट किए हैं, बहुत सुंदर है। सो एनीवे गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अमित ने बाकी की चीजें मुझे क्या गिफ्ट करी है। सो अमित, प्लीज शो दिस थिंग्स, आई थिंक यू शुड शो इट फ्रॉम हियर बिकॉज़ ये सब इधर ऐसे लगा है। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेकअप। मैं फटाफट आपको बताती हूँ और फिर हम काटेंगे केक। तो केक काटने से पहले मैं आपको दिखा दूं गाइस कि अमित ने कितना सुंदर सा अरेंजमेंट करके रखा है इधर। लाइक वी आर इन लीलास, तो बहुत ज्यादा डेकोरेशन के लिए उन्होंने अलाउ ही नहीं किया था, दे डोंट अलाउ एज सच। सो बलून एंड अ वेरी नाइस केक फ्रॉम चीज केक एंड को। वी हैव अ शैंपेन एंड वी आर गोइंग टू गो डाउन फॉर डिनर इन अ व्हाइल। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेकअप। सो गाइस, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव टेकन दिस टाइम। सो सबसे पहले है मेरा हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। सो हुडा ब्यूटी में माई शेड इज ब्राउन शुगर एंड अमेजिंग, लाइक आई लव दिस। दिस फाउंडेशन इज समथिंग, ये मैंने एक ही लाया है अभी यहाँ पे, बट अमित ने ये दो दिलवाए हैं क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है नायका पे हमेशा। सो नेक्स्ट इज दिस गाइज, ये टैन टॉर है। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ कंटोर, लाइक वेन यू कंटोर योर फेस और स्किन, इट इज गुड फॉर दैट। Then the next one is the Huda powder. So this one is the Huda setting powder, and I love this powder. इसमें दो तीन ऐसे shades आते हैं, आप choose कर सकते हो, but जैसे आप translucent powder use करते हो basically, this one is amazing. So again the Huda setting powder, I took this. उसके बाद मैंने एक lipstick ली है, but being a Huda fan, I will still say that this is not something I love, and please don't invest your money in buying this particular lipstick, जो ऐसे bullet में आती है, I think it's their bullet lipstick. So don't go with this one because if especially when अभी हमें mask वगैरह पहन के रहना पड़ता है, तो ये बहुत smudge होता है, पूरे face में लग जाएगा आपके. Not a long lasting one. बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब lips को greasy बना देती है मेरे हिसाब से. So don't go for this. Not good. Then my favorite section of lipstick. इसके almost मेरे पास सारे shades हैं. बट ये नहीं था, सो अमित गॉट मी दिस वन। दिस इज ट्रॉफी वाइट, वेरी नाइस शेड, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ लिटिल बिट हायर एंड लिपस्टिक्स, यू कैन स्टार्ट विद दिस, बेसिकली दिस मॉडल ऑफ लिपस्टिक, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आपको किसी भी मतलब लग्जरियस लाइफ में इन्वेस्ट करना है लिपस्टिक के, गो विद दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक। Then coming towards MAC, मैंने MAC का ज़्यादा नहीं लिया। I don't know, I'm not much of a MAC foundation person, but MAC की lipsticks में मुझे ज़्यादा Ruby Woo और जो उनकी classic shades हैं वो है मेरे पास already। मेरे पास ये purple shade नहीं था, so I got this purple shade. Then ये पूरा Huda और MAC का section हो गया। Now talking about the benefit, तो benefit पता नहीं सबको पता है ये brand or not, but this is also one of the luxury lines of makeup. So this basically, this product is famous for their primer. This primer is very expensive, but मतलब ऐसा होता है कि मैं last time भी जब अमित ने मुझे makeup gift किया था बहुत सारा, so उस समय मैंने इसको first time order किया था, and right now also मैंने इसको use नहीं किया, ये पूरा नया है, I have not used it right now. जो मेरा पुराना है, जो एक साल पहले अमित ने मुझे गिफ्ट किया था, आई एम स्टिल यूजिंग दैट वन। सो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम चलेगा अगर आप इसको लेते हो तो। सो आई डोंट थिंक सो कि एक्सपेंसिव होगा, तो उसे भी फर्क पड़ेगा बिकॉज साल भर आपको ये चलने वाला है, एंड विदाउट दिस माय पार्टी मेकअप इज इनकम्प्लीट। सो आई लव दिस, ओके, दिस इज अमेजिंग। इसके साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑफर सा चल रहा है, सो दे गेव मी द सेटिंग स्प्रे फ्री, सो आई विल यूज दिस एंड आई विल लेट यू गाइस नो अबाउट इट। Then Too Faced से I took a lip injection. So इनके और एक चीज लॉन्च हुई है जिसमें लिप इंजेक्शन के साथ इन्फ्यूज्ड कलर है। सो लिप इंजेक्शन इज नथिंग बट जो बहुत सारी गर्ल्स वुमेन दे ट्राई टू इंजेक्ट देयर लिप्स टू मेक इट लुक मोर फुल। सो बेसिकली ये आपको थोड़ा 5-6% फुलर लिप्स का एक इल्यूजन देगा। मैंने अभी लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो मेरे लिप्स थोड़े से मीडियम साइज के हैं, सो इफ इट्स लुकिंग लिटिल बिगर और लिटिल फुलर, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और काम नहीं करता है या करता है मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है इसके बारे में, सो आई थिंक इट।
देन आई वेंट आई शॉप एवरीथिंग फ्रॉम सफोरा. सो सफोरा से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, मोस्टली हुडा एंड मैक और एस्टेल लॉरल ही मैं खरीदती हूँ. बट सफोरा इज समथिंग दैट आई लव फॉर ब्लशेज. सो ब्लश में ये कलर जो है ये मेरे कॉम्प्लेक्शन को बहुत सूट कर रहा था गाइस. सो आई टुक दिस. तो सफोरा में अगर आप जाओगे ना उनके ब्लशेज जरूर खरीदना. लाइक एटलीस्ट कीप वन. मतलब इफ यू गो टू सफोरा इन जनरल सो दे विल हैव दिस लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू आउट एंड यू कैन जस्ट गो एंड आस्क देम. तो अपने आपके फेस के हिसाब से दे विल गिव यू दिस कलर्स. सो आप सफोरा जाओ और ब्लश तो वहाँ से एक अपने पास रखना ही आपको लेके. एंड अगर आपको गेम चेंजर की कुछ चीज़ की ज़रूरत है देन डू टेक दिस. दिस इज अ गेम चेंजर फॉर योर एंटायर मेकअप. अब हम आते हैं, हाँ एक चीज़ और रहती है वो है मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर पैलेट. दिस वन इज ऑल्सो गुड लाइक ओकेश बॉबी ब्राउन का ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से. नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्किन केयर, तो इस बार मैंने स्किन केयर को भी लिया है. लास्ट टाइम मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा था, स्किन केयर नहीं था. इस बार मैंने स्किन केयर में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टेल लॉडर का, लाइक बहुत लोग एस्टेल लॉडर को मेकअप नहीं बट उसके जो नाइट क्रीम है उससे जानते हैं. सो इस बार मैंने उनकी जो नाइट क्रीम है वो परचेज किया है. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस यस्टरडे एंड इट इज बीन डूइंग गुड थिंग्स टू माई स्किन. एक दिन से तो पता क्या चलता नहीं है बट मैं इसको मेकअप के साथ भी अप्लाई करती हूँ. मतलब प्राइमर वगैरह पूरा जब फेस क्लेंजर करती हूँ उसके बाद में कुछ ड्रॉप्स ये लगा के देन आई डू माय प्राइमर. So, advanced repair cream. This is also quite expensive, but मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा सुना है. I've heard celebrities also use it. So, amazing to get. इसके साथ this person gave me this sample of the vitamin C something the advanced night repair of vitamin C ingredient. वो मैंने लिया नहीं बड़ा. I told her that I will take like उसने मुझे sample दिया है. So sample use करके अगर मेरे skin पे suit होता है then I will go for the bigger bottle. Then I took that two lipsticks. So सबसे पहले तो जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है वो है Pierced Petal 402. So इनका जो लिपस्टिक है वो बेसिकली एक लिप ग्लॉस के फॉर्मेट में है. एंड ये और ये, मतलब ऑफकोर्स दिस इज अ मोर क्लासियर ब्रांड. Huda इज अ लिटल गर्ली बट ये थोड़ा women, classy women kind of brand category में आएगा Estee Lauder. सो आई डिडंट एक्सपेक्टेड ना कि इसका जो कलर्स है इतने फंकी आएंगे और मतलब ऐसा जो पिंक अभी आई हैव अप्लाइड ये सेम कलर है और इतने अच्छे फॉर्मुलेशन में आएंगे. सो दिस फॉर्मुलेशन इज लॉन्ग लास्टिंग. लाइक यू कैन सी इट्स लाइक डूइंग नथिंग टू माय लिप्स. इट्स लॉन्ग लास्टिंग. स्मज ज़्यादा नहीं होगा, होगा ही नहीं स्मज. एंड इट्स मैट. सो लवली पिंक कलर लिपस्टिक आई गॉट फ्रॉम Estee Lauder. और दूसरा जो है क्वाइट रायट, दैट ऑल्सो आई गॉट. ये थोड़ा सा मर्जन थोड़ा सा ऐसे वाइन कलर में है. इसका शेड बेसिकली क्वाइट रायट के नाम से है, शेड नंबर 304. एंड देन इतना सब कुछ मैंने ले लिया तो उन्होंने दो तीन सैंपल्स दिए मुझे. तो आप देख सकते हो ना इनका और एक लिपस्टिक है मेरे पास बड़ा वाला. इसका जो है ये बड़ा वाला लिपस्टिक है. ये इट इज़ इन द शेड रिवाइटेड 340. इसका आप पैकेजिंग देख सकते हो गाइस, इट्स सो क्लासी. पर इन्होंने पूरा ऐसे गोल्डन कलर का हैवी पैक पे एंड यू कैन सी. सो इन्होंने मुझे ऐसा छोटा सा एक शेड दिया है इसके सैंपल में जिसका शेड है 420 रिबेलियस रोज. सो दिस इज गुड बट दीज आर द बेस्ट जो मैंने अभी लगाया है ऑफ द Estee Lauder. सो इफ यू वांट टू गो विद Estee Lauder लिपस्टिक इन योर कलेक्शन देन गो विद दीज लिप ग्लॉसेस विच आर मैट एंड लॉन्ग लास्टिंग. डोंट गो विद दीज वंस. Yes, you can do this later if you fall in love with this brand. उसके साथ उन्होंने मुझे और चीजें गिफ्ट करी जैसे this mascara. They gave me as a gift because I bought a lot of Estee Lauder products and they gave me this pouch. You can see golden pouch है इनका. Because pouches बहुत हो गए हैं. These brands they give you pouches a lot. I don't know for what. And और भी कुछ दिया था उन्होंने. मुझे ये sample दिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया. So that's it guys, this is all about my makeup. एक और चीज अमित ने मुझे गिफ्ट करी है जो दिल्ली में नहीं आई क्योंकि उसका डिलीवरी थोड़ा लेट हो गया, हमने नायका से मंगवाया था. दैट इज द Ellen Trauma हेयर कर्लर हेयर टॉन्ग. सो आई एम एक्साइटेड टू सी दैट एज वेल. सो दैट्स ऑल अबाउट माई गिफ्ट गाइज. टू लेट मी नो आपको कैसे लगे गिफ्ट. और आप कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करना बिकॉज उससे ना मैं मोटिवेट होती हूँ रात रात भर वीडियो एडिट करने के लिए. अदरवाइज आई फील लाइक यार छोड़ो मैं नहीं करती हूँ. सो इफ यू लव टू सी माई कॉन्टेंट आप प्लीज अपना प्यार नीचे कॉमेंट बॉक्स में
प्यार भरे कमेंट्स प्लीज लिख के मेरे को भेजो. एंड जो मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन होने वाला है, जो हम अभी केक काटेंगे, आई विल जस्ट लेट यू नो. और फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे लीला पैलेस का डिनर करने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. हैप्पी बर्थडे टू परी. Happy birthday to Pari. Happy birthday to you, Pari. Happy birthday to you. So guys, this is the cake which looks really absolutely amazing. And aaj mere mama ka bhi birthday hai, Preeta mama ka. So he's in Nagpur right now. So Preeta mama, many many happy returns on the day. So guys, अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए. So let's go. Guys, as you have seen, it's an amazing place to be here. Amazing view, and I'm just gonna show you what's above. And yeah, please show them this place. This is like a perfect find out. Paneer tikka, there is some seafood cake, lamb lasagna and chicken, and I'm craving for mutton. Actually I love lamb, so they're gonna bring some lamb for me and I'm gonna have it with some naan. That's too much of a fat, but I think it's fine sometimes. And then I have got dessert made ras malai and something else I got, yeah, chocolate mousse. I'm gonna have this, and because I had a lot of cake and a lot of starters while we were up there in the room, so I'm just not gonna eat a lot of food here. But we're gonna enjoy the atmosphere. We're just gonna be here, and this tomorrow we're gonna leave and we're gonna go to Taj. So, Hana Amit, let's yes. leave this. Let's live the present moment here. So, see you guys soon. Thanks so much for watching the video. We're gonna finish this entire, you know, food and everything, and gonna go up and sleep. So there is nothing else that we will do apart from this. So thank you so much, guys, for being there and ये vlog देखने के लिए बहुत ज़्यादा आपने जो भी जितना time spend किया, thank you so much for that. And subscribe my channel and yeah, blah 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 blah. Take care, bye.